लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नारायण नारायण। नमस्कार महाराज दशरथ। प्रणाम देवर्षि। आपकी उदासी मुझसे छुपी नहीं है महाराज, परंतु आप भी क्या करते? हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया देवर्षि। श्रवण कुमार की मृत्यु आप ही के हाथों लिखी थी महाराज। वो इतनी ही आयु लिखाकर आया था और उसके माता पिता का आपको श्राप देना ये भी विधाता का पूर्व लिखित विधान था। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा देवर्षि, आप ही बताइए हम क्या करें। परंतु पिछले जन्म में आपने जिस कार्य के लिए तपस्या की थी वो कार्य तो अभी तक अपूर्ण है महाराज। आप किस कार्य की बात कर रहे हैं प्रभु? पिछले जन्म में आप थे आदि पुरुष मनु और आपकी महारानी थी देवी शत्रुपा जो इस जन्म में आपकी पटरानी कौशल्या है। पिछले जन्म में आप दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना करके इस जन्म में विष्णु अवतार के माता पिता होने का वरदान पाया था। आप दोनों का पुत्र बनकर अवतार लेना चाहते हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। आपकी लीला को कौन समझ सकता है प्रभु। अगले जन्म में आपको पुत्र रूप में पाने के विचार से ही हम गदगद हो उठे हैं प्रभु। प्रभु अब हम शीघ्र से शीघ्र ये देह त्याग कर उस जन्म में पहुंच जाना चाहते हैं जहां आप हमारे पुत्र बनकर हमें बाल रूप में दर्शन दे प्रभु। हर कार्य समय पर ही होता है मनु महाराज, धैर्य और परीक्षा के पश्चात ही इस संसार में इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। हाँ देवर्षि, अब वो सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। अब स्वयं भगवान विष्णु अपना नया अवतार लेकर हमारे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, परंतु शाप का क्या परिणाम होगा जो हमें अभी अभी मिला है? पुत्र? जब पुत्र जन्म ही नहीं होगा महाराज तो पुत्र वियोग कैसे होगा? इसी संयोग के कारण तो मैं आपको पिछले जन्म की याद दिलाने आया हूं। पुत्र वियोग के बारे में सोचते ही हमारा हृदय कांप उठता है देवर्षि। यदि पुत्र वियोगी होना है तो पुत्र प्राप्ति का अर्थ ही क्या रह जाता है? महाराज आपकी तीनों महारानियां पुत्र पाने के लिए लालायित हैं और आपके विवाह के इतने वर्षों बाद भी यदि अयोध्या वासियों को अपने युवराज के दर्शन नहीं हुए तो उनकी क्या दशा होगी महाराज? आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। पटरानी कौशल्या और दोनों महारानियों केकई और सुमित्रा की आंखों में मैंने पुत्र पाने की आकांक्षा के दर्शन किए हैं, परंतु पुत्र पाने के लिए भी तो भाग्य का सहारा चाहिए ना महाराज। और जो अपराध मुझसे हुआ है उसे तो नारायण नारायण, जो हो गया उसे भूल जाइए महाराज। आगे की ओर देखिए, भगवान विष्णु के
पिछले जन्म के वरदान को याद रखते हुए वही कीजिए जो आपको करना है। महर्षि, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। महाराज, इसके लिए आप इक्ष्वाकु एवं सूर्य वंश के कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि की शरण में जाइए, वे ही आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय बता सकते हैं। धन्य है देवर्षि, धन्य है। आपका कार्य सिद्ध हो अयोध्या नरेश, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। गुरुदेव। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। विराजिय गुरुदेव। आपका ये आशीर्वाद फलीभूत हो, ऐसा कुछ कीजिए गुरुदेव। तुम तीनों रानियों की पुत्र कामना हमसे छिपी नहीं है देवियों। अब तो अयोध्या के प्रजाजनों में व्याकुलता सी फैल रही है गुरुदेव। सूर्यवंश के राजपुत्रों का मुख देखने के लिए सब तरस रहे हैं। राजपुत्रों का जन्म शीघ्र हो, इसका उपाय हमें मिल गया है। उपाय मिल गया है? क्या है वो उपाय? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ से ही आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। प्रणाम गुरुदेव। आप ठीक समय पर पधारे हैं महाराज। आप अभी जिस पुत्रेष्टि यज्ञ की चर्चा कर रहे थे, वो क्या है गुरुदेव? गुरुदेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली है स्वामी। हाँ राजा, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वैश्वनराय तेजाय नमः स्वाहा। वैश्वनराय तेजाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय पुत्रप्रदायाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय पुत्रप्रदायाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय पुत्रप्रदायाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय पुत्रप्रदायाय नमः स्वाहा। धर्मधारकाय प्रजाप्रत्याय नमः स्वाहा। धर्मधारकाय प्रजाप्रत्याय नमः स्वाहा। वैश्वनराय तेजाय नमः स्वाहा। वैश्वनराय तेजाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय पुत्रप्रदायाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय पुत्रप्रदायाय नमः स्वाहा। सिद्धिप्रदायकाय अग्निदेवाय नमः स्वाहा। सिद्धिप्रदायकाय अग्निदेवाय नमः स्वाहा। सिद्धिप्रदायकाय अग्निदेवाय नमः स्वाहा। सिद्धिप्रदायकाय अग्निदेवाय नमः स्वाहा। वांछित फलप्रदायकाय वैश्वनराय नमः स्वाहा। वांछित फलप्रदायकाय वैश्वनराय नमः स्वाहा। धन्य हो अग्निदेव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। महाराज दशरथ, हम आपकी आहुतियों से प्रसन्न हुए। ये पायस आपकी कामना पूर्ण करेगा, ये लीजिए। आप धन्य हैं अग्निदेव, आपकी कृपा के प्रति हम आभारी हैं। महर्षि, आपने पुत्रेष्टि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न करके सूर्यवंश पर महान उपकार किया है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देवर्षि वशिष्ठ, हम दोनों ही पुत्रेष्टि यज्ञ के निमित्त बने। अग्निदेव भी अपना कर्तव्य समझकर पायस लेकर प्रकट हुए। ये सारा ही कार्य किसी दिव्य शक्ति के आदेश से हो रहा है।
दिव्य शक्ति का आदेश? कौन है ये दिव्य शक्ति? वे हैं जगत के पालनहार भगवान विष्णु। भगवान विष्णु? आप आश्चर्य ना करें महाराज, ये आपकी पूर्व जन्म की तपस्या का फल है जो आपने मनु और शत्रुपा के रूप में की थी। महाराज, आप अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया यह पवित्र पायस तीनों महारानियों में यज्ञ के प्रसाद रूप में बांट दीजिए। देवी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, आप सब ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। लीजिए।